हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में क्लास सिक्स का जो हमारा टॉपिक है द सेंटेंस, उसकी जो एक्सरसाइज है फोर, वो लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है टॉपिक द सेंटेंस की। तो इसके अंदर क्या है, हमें क्या करना है, आप देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज फोर, नेम द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसके अंदर हमें नेम्स बताने हैं। ये कुछ क्या दिए हैं, ये एग्जांपल्स दिए गए हैं हमें, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको क्या करना है हमें, इनकी जो मैंने आपको फाइव टाइप बताए हैं, ठीक है, दस सेंटेंस के, उन टाइप्स में से आपके सिर्फ फोर टाइप है। उन फोर टाइप्स में ही आपको क्या है, इन सेंटेंस को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है वो, ठीक है। तो वो फोर टाइप आपको याद होंगे, अगर नहीं याद है तो आप मेरे प्रीवियस जो लेक्चर है वो देख लीजिए अच्छी तरह। तो इससे क्या है, आपको जो ये इसके अंदर इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है, अगर एक बार आपने अच्छी तरह देख लिया, नोट्स बना लिए, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप उनको देख लीजिए, आफ्टर दैट आप क्या कीजिए, इनको क्या, इस एक्सरसाइज को कीजिए, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं, फर्स्ट जो है इसके सेंटेंस है उसको लेते हैं हम, कि प्लीज लेट मी वर्क। अब इसके अंदर प्लीज को आप छोड़ दीजिए एक बार, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए कि लेट मी वर्क, तो लेट क्या है, एक वर्ब है, वर्ब है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसने क्या कहते हैं, वो कौन से सेंटेंस होते हैं, मैंने आपको क्लियर करवाया हुआ है, वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अब ये जो सेंटेंस है कौन सा है, प्लीज काइंडली अगर है, ये वर्ड छोड़ दीजिए आप, उसके बाद में जो आता है, जो वर्ब आई है उसको देखिए आप सेंटेंस को समझने के लिए। देखो कि प्लीज लेट मी वर्क, अब इसके अंदर ये जो सेंटेंस है वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेट मी वर्क, तो ये कौन सा सेंटेंस रहेगा हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस इम्पेरेटिव है ये, ठीक है। तो अब ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है, ये हमेशा ही किस, ये हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक, सॉरी मेन वर्ब से स्टार्ट होता है ये, ओके, ये ध्यान में रखना है हमें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसका सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। द बॉयज मेक ए नॉइज, द बॉयज मेक ए नॉइज। अब इसके अंदर देखिए, द बॉयज है मेक ए नॉइज ना, इसके अंदर न तो आपने क्या है नोट का यूज किया गया है, नहीं इसके अंदर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, नहीं एक्सक्लेमेशन साइन दिया गया है, ठीक है। अपने क्या है फोर ही टाइप दिए गए हैं, तो इसके अंदर नहीं, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस रहेगा फिर, ये हमारा रहेगा असर्टिव सेंटेंस, मैंने ये आपको बताया था, ये क्या रहेगा, असर्टिव सेंटेंस रहेगा, ये हमें ध्यान रखना। हमने क्या एनालाइज करना होता है सेंटेंस को, कि पहले हमें क्या इंक्लूड और एक्सक्लूड दो चीजें होती है, एक्सक्लूड करते जाएं कि हमें फोर टाइप है हमारे, फोर टाइप में से है एक तो जो वर्ब से स्टार्ट होता है, ओके, वर्ब से स्टार्ट हुआ वो तो हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। सेकंड है उसके लास्ट में क्या आता है, हमेशा ही क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो है इसके अंदर साइन जो आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ठीक है, तो इसके अंदर वो भी नहीं है ये, तो एक रह गया रिमेनिंग जो है वो कौन सा रहेगा, असर्टिव रहेगा, तो वही हमारा क्या रहेगा, ये सेंटेंस रहेगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टैंड अप, ये वर्ब से स्टार्ट है, स्टैंड अप, तो ये कौन सा सेंटेंस है फिर, जो वर्ब से स्टार्ट होता है वो कौन सा सेंटेंस है, मेन वर्ब से जो स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे करके ही हमें क्या है, इनकी पहचान करनी है, इन्हें याद करना है, इन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इससे कभी भी कोई कंफ्यूजन रहेगी, अगर एक बार आप अच्छी तरह याद कर लोगे तो यही टॉपिक आपकी क्या सेवन्थ क्लास में, एट्थ क्लास में है, तो इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि व्हाट अ क्लेवर गर्ल यू आर। अब देखो, पहला तो ये है कि ये वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा मैंने इसमें मैंने एक बात है, और दूसरा ये इसके अंदर क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर पहचान देखो, आइडेंटिफिकेशन देखो, व्हाट एंड एक्सक्लेमेशन दोनों ही है, व्हाट या हाउ,
इन दोनों से जो स्टार्ट होते हैं वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। लास्ट में इनके क्या आता है, एक्सक्लेमेशन साइन आता है। कुछ वर्ड्स भी होते हैं जैसे हुर्रा, ओ, अलास, ये कुछ वर्ड्स हैं उनके साथ भी एक्सक्लेमेशन साइन आता है। अगर वो भी दिए हो अगर सेंटेंस में, तो वो भी कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वेयर डू यू लिव। अब सबसे पहले देखिए कि ये WH फैमिली, वेयर क्या है, WH फैमिली है, मैंने इसके अंदर ये बताया, लास्ट में क्या आ रहा है, इसके क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तब इसके अंदर देखिए, मैंने इसके अंदर दो बातें बताई थी, या तो ये क्या होंगे, WH फैमिली से स्टार्ट होंगे सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है, या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। इसके अंदर हमें किससे स्टार्ट हुआ है ये सेंटेंस, ये हुआ है WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है, WH से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट में क्या दिया गया, इसके क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस रहेगा हमारा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि व्हाट अ हॉरिबल साइट इट वॉज। अब इसके अंदर देखिए कि व्हाट अ हॉरिबल साइट इट वॉज, तो यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन है और स्टार्टिंग ने क्या लगाया, व्हाट लगाया है, तो ये देखिए दोनों ही क्या है, किसमें आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, तो इस ये हमें क्या, कौन सा सेंटेंस रहेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं अपने, कि माई फादर इज अ बैंक एम्प्लॉय, माई फादर इज अ बैंक एम्प्लॉय, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, तो सिंपल है, ये कौन सा सेंटेंस है, इसके अंदर ना तो क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेशन साइन है, ना ही क्या हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस रहेगा, ये तो आप फटाफट बता दोगे कौन सा रहेगा, ये असर्टिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है। असर्टिव के मैंने टू पार्ट बताए थे आपको, वो आप देख लीजिए कि कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, यहाँ पे चिल्ड्रन है, ये प्लूरल है, ये तो यहाँ पे जो वर्ब लगाई है वो भी मैंने प्लूरल लगाई है, ठीक है, तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो ये क्या है, फुल स्टॉप दिया गया है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेशन साइन है, ना ही वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी सेंटेंस कौन सा रहेगा हमारा, असर्टिव सेंटेंस रहेगा, ओके, ये हमारा रहेगा असर्टिव सेंटेंस। ऐसे करके ही हमें क्या करनी है, ऐसे सेंटेंस आप कर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, इंपेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है, ये इसकी हमें पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट चलिए, ना सेंटेंस है आपका वो कौन सा है, Who is at the door? तो who है WH फैमिली से रिलेटेड है, मैंने बताया कि या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या WH फैमिली से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। Who is at the door? लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये कौन सा है, कौन से सेंटेंस में ऐसा होता है, तो ये होता है इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में, तो ये सेंटेंस कौन सा रहेगा हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपने, नेक्स्ट जो है दिया गया है सेंटेंस वो हमारा रहेगा कि डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज, तो इसके अंदर ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है डू से स्टार्ट होता है, डू क्या है, एक मेन वर्ब है, ठीक है, जो लास्ट में क्या दिया गया है, फुल स्टॉप दिया गया है, तो इसके अंदर ये कौन सा सेंटेंस रहेगा, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये कौन सा सेंटेंस रहेगा, ये रहेगा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि डू नॉट या डज नॉट से जो सेंटेंस स्टार्ट है या फिर हेल्प मेन वर्ब से स्टार्ट है वो भी क्या है हमारे क्या रहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेंगे, क्योंकि डू क्या होती है, मेन वर्ब भी होती है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डू जब मैं वर्ब करवाऊंगी तो ये कुछ बातें हैं वो मैं आपको क्लियर कराऊंगी, डू हैव ये क्या है, बी ये मेन वर्ब भी है, ठीक है, और वैसे क्या डू डज डिड ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर करवा दूंगी नेक्स्ट जब मैं वर्ब का जो टॉपिक है वो करवाऊंगी। तो आई होप आपको ये जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है इस टॉपिक से रिलेटेड समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है आपका द सेंटेंस, वो करेंगे स्टार्ट, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरा जो पढ़ाने का वे है वो बायलिंगुअल ही रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि
एक बार देखिए, जो एनसीईआरटी है उसके अंदर फुली क्या दी हुई है, इंग्लिश दी गई है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को क्या है कि फुली इंग्लिश दी हुई है। एक बार तो आपके समझ आ जाए, आप रट्टाफिकेशन कर लोगे, ठीक है, क्रैमिंग कर लो, मुझे पता है, याद कर लोगे एक बार। पर इन फ्यूचर आपको क्या होगा, सेवन्थ क्लास में, फिर एट्थ क्लास में आप भूल जाओगे कि हाँ आपने सेंटेंस टॉपिक रीड कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है, पास हो गए। पर आप क्या करोगे, पास तो हो गए पर नेक्स्ट क्लास में आपको ये याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मेरा जो मोटिव है, मेरा मोटिव यही है, इंटेंशन यही है आपको करवाने का, बायलिंगुअल करवाने का, कि आपको ये चीज़ें याद रहे, आपको ये ऐसे ना हो कि हाँ रट्टा एक बार लगा लिया और कल को भूल गए। ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए कि कभी भी आपसे कोई पूछे कि द सेंटेंस है, इसके पार्ट कितने होते हैं, पार्ट टू पार्ट्स होते हैं, होता है सेंटेंस होते क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके काइंड्स कितने होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। कोई भी मतलब कि सिक्स है, सेवन्थ है, एट्थ है, कभी भी कोई भी पूछ ले आपसे, तो ये मेरा मोटिव है। तो इसीलिए मैं हर चीज़ आपको हिंदी में इसीलिए लिखवा रही हूँ, करवा रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, एनसीईआरटी बुक्स में फुली ही इंग्लिश दी हुई है, वहाँ पे ऐसे अगर उसकी तरह मैं करवाना चाहूँ तो करवा सकती हूँ, बट मैं करवाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरा यही मोटिव है कि आप कोई भी बच्चा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का है, उसको अगर सिंपल, अगर मैं सोचूं कि किसी से पूछ लेती हूँ, या एनवीएस या केवीएस के कुछ बच्चों से मैंने सिंपल क्वेश्चन किया कि ही शी इट का पूछा था मैंने, या दीज दैट होते क्या हैं, तो उनको आंसर नहीं आया, वो कहते पता नहीं हमें, तो फिर फायदा क्या हुआ, ऐसी स्टडी का फायदा क्या है। मुझे लगता है कि तो फिर तो आपने क्या किया, एक बार रट्टा मार लिया, ठीक है, रट लिए उनको, और नेक्स्ट मतलब कि क्लास में फिर भूल गए। तो ऐसा नहीं करना है हमने, सिर्फ क्या करना है, हमें याद करना है इन चीज़ों को, कि हम कभी भूले ना, ठीक है। तो मेरा यही मोटिव है, तो इसी हिसाब से मैं करवाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।